बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 स्थित कार्यालय पर प्रजापति समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रजापति समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस बैठक का आयोजन करने का मेन उद्देश्य है, प्रजापति समाज के लोग अब सरकार में अपने हिस्सेदारी को कायम करने के लिए बातचीत की गई है। इस मौके पर सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और आने वाले इलेक्शन में प्रजापति समाज का प्रतिनिधि खड़ा करने की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर प्रजापति समाज के जिलाध्यक्ष रामेश्वर भी मौजूद रहे। इस मौके पर रामेश्वर का कहना है कि अभी तक सरकार में उनके समाज की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हमें सरकार में अपनी हिस्सेदारी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हालांकि अब आने वाले विधायक के इलेक्शन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और प्रजापति समाज आने वाले इलेक्शन हमें अपने समाज का प्रतिनिधि इलेक्शन में खड़ा करेंगे। दिखाई दे रहा नजारा सेक्टर 2 में स्थित प्रजापति समाज के जिला अध्यक्ष रामेश्वर के कार्यालय का है, जहां पर प्रजापति समाज के लोगों ने बैठक की। इस बैठक में प्रजापति समाज के मुख्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह बैठक करने का मेन उद्देश्य है, प्रजापति समाज के लोगों का कहना है कि इससे पहले सरकार में प्रजापति समाज को लेकर कोई भी उपलब्ध नहीं है और ना ही सरकार में प्रजापति समाज के लिए कोई हिस्सा है। इसी के चलते प्रजापति समाज के लोगों ने आने वाले इलेक्शन में अपना प्रतिनिधि खड़ा कर सरकार में हिस्सा लेने की बात कही है। इस मौके पर प्रजापति समाज के जिलाध्यक्ष रामेश्वर की माने तो उनका कहना है कि प्रजापति समाज को सरकार ने कोई हिस्सा नहीं दिया और न ही प्रजापति समाज का कोई भी विधायक MP या पार्षद है। आगे ऐसा नहीं होगा, इसी के चलते इस बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें आने वाले MLA के इलेक्शन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और आने वाले विधायक के इलेक्शन में प्रजापति समाज अपने प्रतिनिधि खड़ा करेंगे। आज ये हमारे प्रजापति समाज की मीटिंग थी, जिसमें मैं जिला अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा हूं। तो मैंने अपने समाज को इकट्ठा करके, आज सारा समाज इकट्ठा होकर, ये जो आगे अब इलेक्शन सर के ऊपर है और इलेक्शन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए और सरकार से मांग करने के लिए कि जितना जनमत हमारी, जितनी हमारी संख्या है, उसके हिसाब से हमें कहीं भी राजनीतिक भागीदारी नहीं है। उसको अब हम जोरदार से, अब हमारा समाज जाग उठा है और इसको पुरजोर कोशिश करेगा कि किसी भी कीमत पे हम अपनी भागीदारी को, इस राजनीतिक भागीदारी को समाज में हम लेकर रहे हैं।